डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज में, जिसे मैं कवर कर रही हूँ इस लेक्चर में, जिसे हमने नाम दिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट एट द पेरिफेरी ऑफ एन एटम और आयन एंड स्लेटर्स रोल। तो ऑलरेडी मैं आपको स्लेटर्स रूल पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो स्लेटर्स रूल मैंने आपको बताया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है या किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मे बी इन एस ऑर्बिटल, इन पी ऑर्बिटल, दैट मे बी इन डी और एफ ऑर्बिटल, तो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पेरिफेरी की बात करें कि एक एटम या एक आयन की पेरिफेरी पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील होगा, पेरिफेरी मींस उसके जो क्लाउड जहां तक न्यूक्लियस फील करता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो वहां पर वो जो पेरिफेरी है यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो हेल्पफुल होगा जब हम एटॉमिक आयनिक रेडियाई को मेजर करते हैं, तो वहां पर हम जब जो सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं, जो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को मेजर करते हैं, वो हम करते हैं पेरिफेरी एटम की पेरिफेरी के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं वो स्लेटर रूल में आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। तो देखिए हम कैसे पेरिफेरी के जो पेरिफेरी है उसके लिए हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रही हूं, देखिए ऑक्सीजन एटम का। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, ओके, 2s2, 2p4, ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने स्लेटर्स रूल में पढ़ा था कि यहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं शेल्स के, यानी जिनका नंबर एन का एक सा नंबर होगा उसके हम क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। तो आप देखिए, आपने ये देखा था जो इलेक्ट्रॉन्स एस या पी ऑर्बिटल में होते हैं उनका सिग्मा के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो सबसे बाहर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 0.35, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी ये किसके हैं, एन ऑर्बिटल यानी एन एस या एन पी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35, एनडी का भी 0.35 होता है। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे एन माइनस वन ऑर्बिटल्स का, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सिग्मा के लिए, 0.85, ओके। और अगर हम इनर शेल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इनर जो बाकी बचे हुए शेल्स हैं यानी एन माइनस टू भी हो सकते हैं, वो एन माइनस थ्री भी, वो सब शामिल होंगे एन जो इनर ऑर्बिटल्स हैं, तो इनर ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो होता है 1.00। तो ये आपको याद होगा। तो अब देखिए हम पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं कि अगर मैं कहूं कि एस या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, तो पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे पेरिफेरी के लिए। तो अगर मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है बच्चों, मुझे एस और पी ऑर्बिटल के लिए करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन हम छोड़ देंगे, यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, बाहर के इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, 0.35, प्लस इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो सिग्मा कैलकुलेट होके आएगा ये किसका होगा, ये जो एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सिग्मा का कंट्रीब्यूशन होगा। अब बहुत सिंपल है पेरिफेरी का निकालना, पेरिफेरी का हम कैसे निकालते हैं, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू, अब पेरिफेरी के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं, यहां पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं,
अब हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 = 6, तो हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 2 हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.85, तो बहुत कठिन नहीं है। पेरीफेरी का अगर हमें निकालना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना आएगा कैलकुलेट होके, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8, ओके, तो 3.8 ये सिग्मा आया, तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना है ऑक्सीजन का, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 - 3.8, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा 2 and 4.2, तो जेड इफेक्टिव आ गया देखिए 4.2, सो दिस इज जेड इफेक्टिव फॉर पेरी फेरी। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि अगर हम एस और पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें सिग्मा, तो कितना आ जाएगा 3.45, और अगर ये 3.5 होगा तो जेड कितना होगा, जेड इफेक्टिव कितना होगा, सॉरी जेड इफेक्टिव हो जाएगा 8 - 3.45, और ये कितना हो जाएगा 4.55, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव है 4.55, जब हम एस और पी के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि पेरीफेरी के लिए ये जेड इफेक्टिव कितना है 4.2 है, ओके। तो इस तरीके से पेरीफेरी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड इफेक्टिव, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाऊंगी कि हम पेरीफेरी के लिए कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक डी ब्लॉक एलिमेंट ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं क्रोमियम, ओके। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1, ओके, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे पेरीफेरी की हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहले हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे, देखिए ये 4 यानी n ऑर्बिटल है, देन हम जो ऑर्बिटल लेंगे, शेल लेंगे, वो लेंगे n-1, और बाकी जो बचा हुआ है वो एक साथ ऑर्बिटल आ जाएगा, ओके। तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम पेरीफेरी की बात कर रहे हैं तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो जब हम पहले कैलकुलेट करते थे, जब हम 4s इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते थे तो हम इसको 0 रखते थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हम लेते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन ले लेना है, यानी हम 1 लेंगे इनटू 0.35, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35, देन हम क्या लेंगे, यहां पर इनर में कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में 13 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स इनटू इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.85, और जो इनर शेल के ऑर्बिटल हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। तो इस तरीके से हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, जबकि अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग तो तब हम इस जगह पर क्या रख रहे होते 0, ओके। तो ये डिफरेंस है पेरीफेरी में, ये पेरीफेरी के लिए, और ये जब हम 4s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे सिग्मा की वैल्यू, ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई सिग्मा की, आई 21.40, ओके। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 21.40, तो जो जेड इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा 2.60, तो ये पेरीफेरी का क्या है जेड इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स या आयन्स, हम इसमें आयन भी ले सकते हैं, ओके, मैं अब आपको एक आयन का एग्जांपल दे रही हूं। अब देखिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हम O2- को एग्जांपल देख रहे हैं, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, तो O2- को अगर हम देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2,
2p6, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है 2p4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा 2p6। तो दो ग्रुप बन गए, देखिए एक n और एक n-1। इसका कंट्रीब्यूशन हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0.35, 1s के इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर कितना होगा 0.85, क्योंकि इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। सो सिग्मा विल इक्वल्स टू 0.35। अब पेरीफेरी की बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होगा, 6+2 8, ओके, प्लस दो इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, ओके। तो ये कितना आया, ये कैलकुलेट होके आएगा 4.5। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, -4.5, तो ये कितना आ गया 3.5। तो ये आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ पेरीफेरी ऑफ ऑक्सीजन 2- आयन, इसके लिए पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट दी जेड इफेक्टिव फॉर दी पेरीफेरी ऑफ एन एटम और आयन। सो थैंक यू वेरी मच।